नमस्कार दोस्तों, आज हिंदी दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस है और हम लोग इस हिंदी दिवस को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। आप सभी को पता होगा दोस्तों, हिंदुस्तान यानी हमारा भारत देश, जहां पर हिंदी भाषा बोली जाती है और हिंदी को मान्यता है, यानी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। हमारे हिंदुस्तान में हिंदी को ही मान्यता दी गई है, यानी पहली बोली यानी पहली भाषा हमारी हिंदी है। आज मैं आप लोगों को हिंदी दिवस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। संविधान में सन 14 सितंबर 1949 को एक मत से यह निर्णय लिया गया कि पूरे भारत वर्ष में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा। और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन हमारे देश के एक महान व्यक्ति का जन्म भी था। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन हिंदी के पुरोधा व्यवहार राजेंद्र सिन्हा का 50वां जन्मदिन था, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए भरपूर मेहनत किया था। तो हमारे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमारे कई ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत मेहनत की, जैसे कि मैथिली शरण गुप्त थे, हमारे राजेंद्र सिन्हा थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के 343(1) में ये कहा गया है कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी और इसकी लिपि जो होगी देवनागरी होगी। हिंदी दिवस के उपलक्ष में हमारे स्कूल कॉलेज में कई तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, कई तरह के कार्यक्रम होते हैं, और इस दिन हम अपने बच्चों को ये बताते हैं कि जो भी काम करने होते हैं वो हिंदी में किया जाए। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप लोग इंग्लिश का यूज ना करें, हिंदी का भी यूज करें, और हिंदी हमारे देश की सबसे खास भाषा है। हिंदी के लिए हम लोगों ने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। अब अगर मैं बात करूँ तो हमारे सरकारी कार्यालयों में भी हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण यूज होता है, और आज के दिन ये बताया जाता है कि आप लोग हिंदी का भरपूर यूज करें और हिंदी को अपने इस समाज में और अच्छे से फैलाएं इसको। तो अब मैं अगर बात करूं हिंदी भाषा की, तो अगर जो लोग इसमें सर्वश्रेष्ठ काम करते हैं हिंदी भाषा में, तो उनको हिंदी भाषा का सर्वोच्च पुरस्कार भी दिया जाता है। जैसा अगर मैं उस पुरस्कार की बात अगर करूं, तो हमारे यहाँ हिंदी राजभाषा गौरव और हिंदी राजभाषा कीर्ति, ये दोनों हमारे यहाँ दिए जाते हैं। और अगर मैं आप सबसे ये कहूँ कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो इसको आप लोगों को बना करके चलना है और हिंदी भाषा को हमें अच्छे से, जितनी अच्छी से हो सके उसे बोलना है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि जितना हो सके आप हिंदी का यूज करें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं इंग्लिश का यूज ना करें। आज हमारे कॉन्वेंट स्कूलों में इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होती है, लेकिन उन इंग्लिश मीडियम के द्वारा हमारी हिंदी मीडियम छूटती जा रही है। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि हिंदी मीडियम को भी, यानी हिंदी अपनी भाषा को बनाए रखिए, अपनी संस्कृति को बनाए रखिए। बिना हिंदी जाने हम लोग अपनी संस्कृति अपने संस्कार को नहीं जान पाते हैं। तो ये था मेरा एक छोटा सा संदेश आप सभी को हिंदी दिवस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।